नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं अपर्णा मौजम। इंदौर की खबर से बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं, जहां ईडी की छापामार कार्रवाई जारी है। नगर निगम घोटाले में कई ठिकानों पर छापा मार रही है ईडी की टीम। आजाद नगर के अलावा और भी कई ठिकाने हैं जहां पर कार्रवाई जारी है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिव। ड्रेनेज घोटाले को लेकर यह छापा मारा गया, फर्जी बिल लगाकर करोड़ों का घोटाला सामने आया था। बड़ी खबर, नगर निगम घोटाले में ये छापा और इसी छापे को लेकर यहां पर कार्रवाई जारी है ईडी की टीम की। नगर निगम घोटाले में कई ठिकाने हैं जिनमें आजाद नगर भी शामिल है, यहां पर ईडी की टीम छापा मार रही है। मिथिलेश हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़े हैं इसी खबर पर। मिथिलेश का रुख कर लेते हैं। मिथिलेश, क्या जानकारी? नगर निगम फर्जी बिल घोटाले के जो भी आरोपी हैं उनके घर पर आज ईडी की कार्रवाई चल रही है। ईडी की ये रेड है और फिलहाल इस वक्त मैं आजाद नगर के मदीना नगर में मौजूद हूं और ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये गेट है, गेट के अंदर आपको सीआईएसएफ के जवान नजर आएंगे और ईडी के जो अधिकारी हैं इस वक्त इस घर में मौजूद हैं। और एक और तस्वीर मैं नज़दीक से आपको दिखाता हूं। ये वो सभी आरोपी हैं जिनके ऊपर फर्जी बिल घोटाले का आरोप लगा है। हालांकि पूरे मामले की पुलिस जाँच कर रही है और आय से अधिक संपत्ति को लेकर इसमें ईडी को भी पूरे मामले की शिकायत की गई थी। अपराध से जो अर्जित किया गया इनकम है, जो अपराध से संपत्ति बनाई गई है, उस पूरे मामले की ईडी जाँच कर रही है। देखिए तस्वीर में नजर आएगा, ग्रीन कंस्ट्रक्शन, किंग कंस्ट्रक्शन और नीचे लिखा हुआ न्यू कंस्ट्रक्शन, यानी तीन जो कंस्ट्रक्शन है इनका सबसे पहले नाम आया था कि फर्जी बिल घोटाले में इन कंस्ट्रक्शन कंपनी ने फर्जी बिल लगाए और कई करोड़ रुपए वहां से नगर निगम से निकाल लिए। पूरा जो घोटाला है वो 150 करोड़ रुपए के घोटाले से जुड़ा हुआ है और लगातार इसको लेकर नगर निगम में हंगामा भी देखने को मिलता है। इस बार जो बजट सत्र रहा, बजट सत्र में नगर निगम फर्जी बिल घोटाले की वजह से जबरदस्त हंगामा देखने को मिला और कल इंदौर में इसी 150 करोड़ रुपए के फर्जी बिल घोटाला है उसको लेकर कल कांग्रेस एक बड़ा प्रदर्शन करने जा रही है। नगर निगम पर यह प्रदर्शन होगा। वहीं दूसरी तरफ ईडी की आज बड़ी कार्रवाई इंदौर में देखने को मिली और सिर्फ इंदौर के आजाद नगर नहीं, इंदौर के अलग अलग ठिकानों पर ईडी की कार्रवाई चल रही है। यानी जो भी लोग फर्जी बिल घोटाले में शामिल थे उनके घर पर ईडी के अधिकारी मौजूद हैं, बड़ी कार्रवाई चल रही है। यहाँ से दस्तावेज जो हैं वो जब्त किए जाएंगे, सारे रिकॉर्ड निकाले जाएंगे कि कौन से पैसे का कहाँ पर इस्तेमाल किया गया, किस खाते में कौन सा पैसा आया और किस खाते से कौन सी संपत्ति खरीदी गई थी। तो ईडी पूरे मामले की जाँच कर रही है और ईडी को पूरे मामले की शिकायत की गई थी। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया, एक के बाद एक इसमें आरोपी बनाए गए और जैसे जैसे चैनल बनती गई वैसे वैसे नगर निगम के तमाम बड़े अधिकारी भी इसमें जो हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई हुई, उनके नाम भी सामने आए। फिलहाल ईडी की बड़ी कार्रवाई चल रही है। ईडी की कार्रवाई इसलिए चल रही है क्योंकि ये वो सभी लोग हैं जिन्होंने फर्जी बिल घोटाला करके करोड़ों रुपए निकाला और ये अपराध करके जो संपत्ति बनाई उस पूरे संपत्ति की इन्वेस्टिगेशन जो है वो ईडी कर रही है। फिलहाल इस वक्त मैं आजाद नगर मौजूद हूँ और ये जो कार्रवाई है लगातार जारी। आजाद नगर उन ठिकानों में से एक ठिकाना जहां पर ईडी की टीम पहुंची हुई है, इसके अलावा भी जहां जिन जिन आरोपियों के नाम सामने आए हैं उन आरोपियों के ठिकानों पर ईडी की टीम पहुंची हुई है, छापा पड़ रहा है, कागजात खंगाले जा रहे हैं। मिथिलेश आप बने रहिएगा हमारे साथ, कुछ और खबरों पर भी आपसे बातचीत करेंगे। और यहां मिथिलेश हमारे सहयोगी नगर निगम घोटाले में जिस तरह से ईडी की टीम पहुंची है उसकी जानकारी दे रहे थे। मध्य प्रदेश के दुग्ध उत्पादक किसानों के लिए अच्छी खबर है। प्रदेश सरकार उन्हें 5 रुपए प्रति लीटर प्रोत्साहन राशि देने की तैयारी कर रही है। माना जा रहा है कि अगली कैबिनेट में सरकार इसका प्रस्ताव भी ला सकती है। सहकारी दुग्ध समिति से जुड़े उत्पादकों को इसका फायदा मिलेगा। बता दें कि एमपी सरकार वर्तमान साल में गौ रक्षा साल के रूप में वर्तमान साल को मना रही है और महाराष्ट्र, झारखंड, असम, राजस्थान सरकार भी दुग्ध उत्पादक किसानों को प्रोत्साहन राशि देती है। पशुपालन मंत्री लखन पटेल के मुताबिक प्रदेश में फसल उत्पादन अपनी अधिकतम सीमा पर है, ऐसे में किसानों को फायदा देने के लिए सरकार जल्द ही उन्हें प्रोत्साहन राशि देना शुरू करेगी। वहीं उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में कम किसान ही सहकारी समिति से जुड़े हैं और इनकी संख्या बढ़ाने के लिए सहकारी दुग्ध संघ के सेंटर बढ़ाए जाएंगे। हमारे माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी ने भी घोषणा की थी कि जितने भी सहकारी समिति हमारे दुग्ध संघ से जुड़े हुए किसान हैं वो जितना भी दूध देंगे उनको 5 रुपए लीटर की
सब्सिडी के रूप में उनको प्रोत्साहन राशि के रूप में उनको दिया जाएगा, जिससे कि जैसे आप समझ लीजिए एक गाय अगर 8 लीटर दूध देती है तो 40 रुपए उसको अतिरिक्त मिलेगा उसका, तो उससे किसानों को निश्चित रूप से फायदा होगा। दुग्ध उत्पादक किसानों को 5 रुपए प्रोत्साहन राशि देने पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। पूर्व विधायक शैलेंद्र पटेल की माने तो लंबे समय से भोपाल दुग्ध संघ के चुनाव नहीं हुए हैं, ऐसे में दुग्ध उत्पादक दूध की कीमत ही तय नहीं कर पा रहे और महज 15% किसान ही इससे लाभान्वित होंगे। उनकी माने तो 85% किसान को इसका फायदा ही नहीं मिल पाएगा। जो डेयरियों से किसान जुड़े हुए थे आज धीरे धीरे कम होते गए, अब मात्र 15% लोग सरकारी डेयरी से जुड़े हुए हैं। पहले इनकी संख्या लगभग 70-80% थी। ये संख्या कम क्यों हुई? ये आपकी नीतियों के कारण हुई है, जो पिछले 15 सालों में आपने दुख किसानों के साथ अन्याय अत्याचार किया और भेदभाव किया, उसका परिणाम है। अगर आप सही दाम देते, समय पे चुनाव करवाते, समय से प्रबंधन करते तो निश्चित रूप से 70-80% लोग सरकारी समितियों से जुड़े होते, लेकिन आज जो जुड़े नहीं हुए, अगर ये फायदा होगा तो मात्र 15% लोगों का फायदा होगा, बाकी 85% किसानों को फायदा नहीं मिल पाएगा। मेरा तो आपसे गुजारिश है सबसे पहले चुनाव कराएं ताकि जो समितियां हैं उनको वाजिब उनका हक मिल सके। शैलेंद्र भदौरिया हमारे सहयोगी भोपाल से लाइव जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, सरकार कह रही है कि प्रोत्साहन राशि देने की तरफ वो कदम बढ़ा रही है, विपक्ष कह रहा है कि चुनाव तो हुए नहीं और जो आप योजना निकाल रहे हैं उससे सिर्फ कुछ ही किसानों को फायदा मिलेगा। बिल्कुल अपर्णा, आपने ठीक कहा। जिस तरीके से जो सरकार का जो ऐलान है और साफ तौर पर वो दुग्ध सहकारी समितियों को जो किसान दूध देते हैं केवल फायदा उन किसानों को मिलेगा, और जो सरकारी आंकड़े कहते हैं उसके अनुसार लगभग 15% के आसपास ही किसान ऐसे हैं जो सहकारी दुग्ध समितियों से व्यवसाय करते हैं, उनको दूध देते हैं, बाकी के लोग जो है वो मार्केट में अपने स्तर पर दूध बेचते हैं। तो इसी को लेकर कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है, कह रही है कि केवल 15% को किसानों को फायदा देकर आप वाहवाही लूटने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि पहले 70-80% ऐसे तो जो सहकारी समितियों को अपना दूध बेचते थे। लेकिन आखिर ऐसे क्या कारण रहे कि किसानों का दुग्ध सहकारी समितियों से मोह भंग हो गया? इसके पीछे कांग्रेस सीधे तौर पर यह कह रही है कि सहकारी समितियों के चुनाव नहीं कराए गए, कोई गवर्निंग बॉडी उनमें नहीं है, अधिकारियों की मनमानी चल रही है और यही कारण है कि किसान सहकारी समितियों को दूध नहीं बेच पा रहे हैं। हालांकि पशुपालन मंत्री खुद इस बात को मान रहे हैं कि किसानों की संख्या कम है और इन किसानों की संख्या को बढ़ाने की दिशा में सरकार काम करेगी। वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि दुग्ध सहकारी समितियों के जो सेंटर्स है यानी जहां दूध लिया जाता है वो बेहद कम है, बड़े बड़े शहरों में है। अब उनको छोटे छोटे शहरों में सेंटर्स खोलने का प्रयास जो है वो सरकार करेगी ताकि स्थानीय स्तर पर जो किसान है वो अपना दूध बेच सकें। क्योंकि देखिए, अगर आप छोटे शहर से बड़े शहर में किसान यदि दूध लेकर जाएंगे तो उनका ट्रांसपोर्टेशन में बहुत ज्यादा पैसा खर्च हो जाता है और ऐसे में उनको लाभ नहीं होता, इसीलिए वो स्थानीय स्तर पर इस दूध का विक्रय कर देते हैं। तो सरकार की मंशा साफ तौर पर यही है कि किसान जो है वो कृषि के माध्यम से तो फायदा ले ही रहे हैं, लेकिन जो दुग्ध उत्पादक किसान है उनको कैसे फायदा दिया जाए उस दिशा में एक बड़ा कदम माना सकता है। लेकिन चिंता का विषय यही है जो कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है कि अधिक से अधिक किसानों को इसका लाभ मिले, इसके लिए आवश्यक होगा कि सहकारी समितियों को मजबूत किया जाए ताकि जो किसान है वहां पर अपना दूध विक्रय कर पाए। जी शैलेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए। अगली खबर सीहोर से है, जहां अनियंत्रित होकर एक बस खाई में पलट गई। बस सवार 40 से ज्यादा यात्री घायल हो गए। बस में सवार थे 50 से ज्यादा यात्री। भोपाल से रेहटी ये बस जा रही थी, देलावाड़ी घाट के पास ये हादसा हुआ। तस्वीरें आप देख रहे हैं उस स्पॉट की जहां पर यह हादसा हुआ था। इस बस को भी आप देख सकते हैं, 40 से ज्यादा यात्री घायल हो गए। बस में 50 से ज्यादा यात्री सवार थे। सीहोर में ये हादसा हुआ, बस बेकाबू हो गई और बेकाबू होकर खाई में पलटने से हादसा हो जिसमें 40 मुसाफिर जख्मी हो गए। भोपाल से रेहटी ये बस जा रही थी। प्रदीप हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं सीहोर से। प्रदीप, कैसी स्थिति है घायलों की और किस तरह से यह हादसा हुआ जरा बताएं। ये रफ्तार के कहर का शिकार बनी है बस। ये बस भोपाल से रेहटी आ रही थी, गुप्ता यात्री गुप्ता बस सर्विस की, और देलावाड़ी चूंकि एक बहुत जिगजैग वाली घाटी मानी जाती है वहां पर रफ्तार कहर के बनती हुई ये देख रहे हैं। जिस तरह से शॉर्ट न्यूज 18 दिखा रहा है कि बस नीचे खाई है, 6 पलटी खाई है, 6 पलटी खाने के बाद में गाड़ी के पहिए ऊपर आ गए हैं। और गनीमत ये रही है कि इतने भीषण हादसे के दौरान 40 लोग यात्री घायल हुए। फिलहाल कोई किसी प्रकार की जानलेवा कार्रवाई नहीं हुई है इस घटना के अंदर, लेकिन इस पूरे मामले पर पुलिस प्रशासन मौके पर, जनता ने बहुत जबरदस्त मदद करी और सारे लोगों को समय पर निकालकर अस्पताल पहुंचाया, जिसकी वजह से अभी उनका इलाज चल रहा है। जी प्रदीप, धन्यवाद आपका इस जानकारी के लिए।
अगली खबर इंदौर से है, जहां के पुलिस कमिश्नरी में रोते गिड़गिड़ाते थाना प्रभारी का वीडियो सामने आया, जिसमें टीआई के द्वारा ट्रांसफर को लेकर गुहार लगाई जा रही है। टीआई वीडियो में कह रहा है कि या तो ट्रांसफर करवा दो, नहीं तो गोली मार दो। बताया जा रहा है कि टीआई नेताओं के दबाव की वजह से परेशान और लाचार है। दरअसल हीरानगर थाने में दो बदमाश पुराने अपराध में पेश होने के लिए बेसबॉल के साथ पहुंचे थे। बदमाशों ने एक रील बनाकर वायरल कर दी। बताया जा रहा है कि बदमाश कांग्रेस के नगर निगम नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसे का ड्राइवर है। बस यहीं से राजनीति शुरू हुई। बीजेपी के नेता जयसिंह ठाकुर अपने समर्थकों के साथ थाना पहुंचे और हंगामा शुरू कर दिया। बड़ी संख्या में इस ग्रुप में महिलाएं भी थी। दबाव से परेशान थाना प्रभारी पीएल शर्मा रोने लगे और बोले, आप बेवजह हंगामा कर रहे हो, मैंने कार्रवाई की है, मेरा ट्रांसफर करवा दो या मुझे गोली मार दो। कोई कमी नहीं छोड़ी आपने, मेरा ट्रांसफर करा दो, कोई कमी नहीं छोड़ी आपने, जितना कर सकते हो कर लो, मुझे मारना हो गोली मार दो, मार दो, मुझे कोई कमी नहीं छोड़ी आपने, बुढ़वा रहे हो, तो तिरपन काय नहीं करूंगा आपके खिलाफ, कोई कमी नहीं छोड़ी आपने, मेरा ट्रांसफर करा दो, कोई कमी नहीं छोड़ी आपने, जितना कर सकते हो कर लो, मुझे मारना हो गोली मार दो, मार दो, मुझे कोई कमी नहीं छोड़ी आपने, मुझे बुढ़वा रहे हो। यहाँ थाने में हंगामा हुआ और टीआई हंगामे से दबाव से परेशान होकर किस तरह भावुक हो गए, जज्बाती होकर कहने लगे कि या तो गोली मरवा दो या फिर ट्रांसफर करवा दो, वो आपने सुना। मिथिलेश गुप्ता हमारे सहयोगी इंदौर से हमारे साथ लाइव जुड़े हैं इसी खबर पर। मिथिलेश, जिस तरह से ये पूरा वीडियो सामने आया है, कब का ये वीडियो है, क्योंकि मालूम पड़ रहा है टीआई के बयान से कि कितना दबाव वो आए दिन झेल रहे होंगे, इसलिए उस तरह से उनका आज सब्र का बांध टूटा है। बिल्कुल सही कहा आपने कि सब्र का बांध टूटा है और दबाव जो है उनके चेहरों पर साफ नजर भी आया, क्योंकि वो भावुक हो गए और उन्होंने कहा कि मेरा तो ट्रांसफर ही करवा दो या मुझे गोली मरवा दो। आखिर एक टीआई को ये बात क्यों कहना पड़ी, इसकी सबसे बड़ी वजह है क्योंकि भाजपा के कुछ नेता बड़ी संख्या में महिलाओं और कार्यकर्ताओं के साथ पर थाने पहुँचते हैं, जमकर हंगामा करते हैं, नारेबाजी करते हैं और जब लाख समझाइश के बाद जब वो नहीं समझते हैं तो टीआई कहते हैं कि भाई मेरा ट्रांसफर ही करा दो, और उस वक्त वो भावुक हो जाते हैं, रोने लग जाते हैं और फिर वो कहते हैं मुझे गोली मरवा दो। अरे देखिए, इस पूरे मामले में सियासत भी यानी राजनीति भी होना लाजमी था, क्योंकि जिस मामले को लेकर विवाद पड़ा था उसमें एक नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौक से उनका जो ड्राइवर है वो बेसबॉल का बैट लेकर थाने वीडियो बनाता है और वो वीडियो सार्वजनिक हो जाता है, सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया जाता है, जिसके बाद से ये हंगामा और बड़ा हो जाता है। उसके ऊपर आरोप लगे थे, उसने कुछ युवकों के ऊपर जानलेवा हमला किया था, मारपीट किया था और बेसबॉल बैट से ही हमला किया था। तो फिलहाल बाद में एक वीडियो पुलिस के द्वारा भी जारी किया गया कि थाना में जिन लोगों ने वीडियो बनाया था बाद में वो कान पकड़कर माफ़ी मांगते नज़र आए कि हमसे गलती हो गई, दोबारा थाने में वीडियो नहीं बनाएंगे, ये हमारी बहुत बड़ी गलती है। लेकिन हंगामा जो है वो लगातार होता रहा, हंगामा चलता रहा। अधिकारी ने कहा, थाना प्रभारी ने कहा कि जो कार्रवाई होनी थी वो कार्रवाई मैंने कर दी, जो गुनाहों की सजा उन्हें मिलनी तो मिल चुकी है, वो आरोपी इस वक्त सलाखों के पीछे, इस हंगामे को रोक दीजिए, कार्रवाई कर दी है और किस बात को लेकर आप लोग यहाँ पे हंगामा कर रहे हैं। हंगामा बढ़ता रहा और उसके बाद वो भावुक हो गए, भावुक होते हुए उन्होंने कह दिया कि मेरा ट्रांसफर कर दो या मुझे गोली मार दो। हालांकि अब इस पूरे मामले जिस मामले को लेकर हंगामा मचा रहे थे ये लोग, उस मामले में कार्रवाई कर चुके थे जाहिर तौर पर, फिर उस तरह से उनका अपनी भावनाओं को व्यक्त करना भी यहाँ पर देखने को मिला है। बहुत शुक्रिया आपका मिथिलेश इस जानकारी के लिए। अगली खबर खरगोन से है, जहां सिविल अस्पताल के सुविधा घर में एक नवजात मिला। नवजात के रोने की आवाज सुनकर डॉक्टर पहुंचे, बच्चे को सुविधा घर में मां छोड़कर फरार हो गई। नवजात की स्थिति गंभीर देख आईसीयू में से भर्ती कराया गया है। अस्पताल प्रबंधन अब सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रहा है। सनावत सिविल अस्पताल की यह घटना है। अगली खबर छतरपुर से है, जहां पुलिस नदी में शव की तलाश कर रही है। धसान नदी में 3 दिन से एक शव की तलाश की जा रही है। सिविल लाइन पुलिस और एसडीआरएफ तलाश कर रहे हैं। शिवम मिश्रा की हत्या कर आरोपियों ने उसके शव को नदी में फेंक दिया था। हत्या के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी की निशानदेही के बाद नदी में शव की तलाश की जा रही है।
तस्वीरें छतरपुर की आप देख रहे हैं। तीन दिन से यहाँ पर पुलिस और एसडीआरएफ की टीम एक शव की तलाश कर रहे हैं। शिवम मिश्रा की हत्या कर उसके शव को नदी में ठिकाने लगा दिया गया था और उसी के आरोपी की निशानदेही पर यहाँ पर शव की तलाश की जा रही है। मैंने फोन किया हमारे कमांडेंट साहब को कि कोई बॉडी या किसी द्वारा फेंकी गई है तो उसकी सर्चिंग करने हम लोग आए हैं। गर्रोली चौकी का मामला है ये और मामला सिविल लाइन थाने का है लेकिन गर्रोली। अगली खबर श्योपुर से है जहां भारी बारिश के बाद पार्वती नदी में उफान आ गया। भारी बारिश के बाद सुंदी गांव टापू बन गया। बाढ़ के पानी में यहां गांव वाले फंस गए। एसडीआरएफ ने करीब 25 लोगों को रेस्क्यू किया। मोटर बोट की मदद से अन्य लोगों को निकालने की कोशिश की जा रही है। गांव में करीब 300 से ज्यादा लोग रहते हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एसडीआरएफ की टीम यहां पर रेस्क्यू में लगी हुई है। भारी बारिश के बाद पार्वती नदी में उफान, तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं। और अब आपको दिखाते हैं शिवपुरी की तस्वीरें जहां पर सिंध नदी में फंसे मजदूरों को रेस्क्यू किया गया। यहां पर सभी 18 मजदूरों को बचाने में कामयाबी मिली है। प्रशासन ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया था। सिंध नदी के पुल के निर्माण में ये मजदूर लगे थे। कोलारस के भड़ोता गांव का मामला है जिन 18 मजदूरों को यहां रेस्क्यू कर लिया गया। रायसेन में लगातार बारिश की वजह से नर्मदा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। बांध के गेट खोले जाने के बाद से प्रशासन अलर्ट मोड में आ गया है। दरअसल बरगी बांध का गेट खुलने के बाद से बरेली बाड़ी के कई गांव प्रभावित हुए हैं। प्रशासन निचली बस्तियों में खासी नजर बनाए हुए हैं। साथ ही प्रशासन ने जल भराव की स्थिति में सरकारी भवनों में ठहरने की भी व्यवस्था की है। मिनी कश्मीर कहे जाने वाले अमरकंटक में लगातार बारिश होने से खुशनुमा मौसम है। बता दें कि अनूपपुर जिले के पवित्र नगरी मां नर्मदा उद्गम अमरकंटक में 48 घंटे से बारिश हो रही है। देश दुनिया से आए धार्मिक पर्यटक अमरकंटक में हो रही इस बारिश का लुत्फ ले रहे हैं। आसपास के माहौल में एक अलग तरह के ही खुशी और उत्साह देखने को मिल रहा है। छतरपुर में रेलवे ट्रैक पर एक शव मिलने से सनसनी फैल गई। शव की पहचान नहीं की जा सकी। मामला आत्महत्या का लग रहा है। बमीठा थाना पुलिस मौके पर मौजूद है। हरदा में पुराने बंद मकान की जर्जर दीवार गिर गई। दीवार पड़ोसी के बरामदे की ओर गिरी से दुर्घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। खिड़किया के वार्ड नंबर 14 में हुई इस हादसे से पहले पड़ोसी ने कई बार नगर परिषद और मकान मालिक से जर्जर दीवार की शिकायत की थी लेकिन समय रहते कार्रवाई नहीं की गई। सिवनी में चलती कार में धामन सांप के आने से हड़कंप मच गया। आनंद फानर में ड्राइवर ने कार को रोका और सर्प मित्र को इसकी जानकारी दी। सर्प मित्र तत्काल आकर गाड़ी से सांप को बाहर निकाला और जंगल में छोड़ा। कार सवार सभी लोग हैदराबाद से यूपी जा रहे थे। बड़ा वाला ग्वालियर जू में सफेद टाइगर का कुनबा बढ़ा है। सफेद टाइगर मीरा ने 3 शावकों को जन्म दिया है। तो शावक सफेद तो वहीं एक रॉयल बंगाल टाइगर का जन्म हुआ है। चिड़ियाघर में समय टाइगर्स की संख्या 12 हो चुकी है। इनमें 5 सफेद तो वहीं 7 रॉयल बंगाल टाइगर है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिव। सावन के तीसरे सोमवार को उज्जैन में भक्त उत्साह उमंग और भक्ति से लबरेज दिखे। माहौल तब और अद्भुत हो गया जब 1500 डमरू वादक भस्म आरती की धुन पर डमरू बजाते नजर आए। बता दें कि यह वर्ल्ड रिकॉर्ड है जो गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। सीएम डॉक्टर यादव ने सावन महीने के तीसरे सोमवार को निकलने वाली महाकाल की तीसरी शाही सवारी के दिन डमरू वादन में विश्व रिकॉर्ड रचने के लिए इन्हें प्रेरित किया था जिसके बाद
भोपाल और उज्जैन के डमरू वादक की टीम महाकाल लोक के शक्ति पथ और सवारी में विशेष प्रस्तुति देकर इतिहास रचा। 1500 डमरू वादक महाकाल लोक के शक्ति पथ पर 10 मिनट तक लगातार डमरू बजाते रहे। इस दौरान पूरा उज्जैन नगर डमरू की धुन पर गूंज उठा। और जो ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है उसका सर्टिफिकेट यहाँ पर दिया गया, किस तरह से ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है वो भी आप एक तस्वीर में देख रहे हैं। और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया उसका यहाँ पर उन्हें उसकी पहचान स्मृति चिन्ह भी भेंट किया गया। बाबा महाकाल की नगरी में आज सावन का तीसरा सोमवार है और बाबा महाकाल की नगरी में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मंशा के अनुसार आज जो है वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है, गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है, जिसमें 1500 से अधिक जो है डमरू बजाए गए हैं, झांझ बजाए गए हैं और ये प्रस्तुति दी गई है और आज गिनीज बुक की तरफ से जो है वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है, जिसमें जो मंत्री थे, राज्य मंत्री, विधायक, सांसद, तमाम लोग जो है इस इतिहास को रचने के लिए यहाँ मौजूद थे और आखिरकार उज्जैन ने एक बार फिर इतिहास रचा है। 1500 डमरू बजे हैं और ये डमरू वादक जो है महाकाल की सवारी में भी चलेंगे और उज्जैन का गौरव बढ़ाएंगे। अजय पटवार, यू जेटिन, मध्य प्रदेश। महाकाल आज पूरे भारत और पूरे विश्व के लिए ऐतिहासिक दिन है। भगवान महाकाल का डमरू पूरे विश्व के अंदर आज रिकॉर्ड बनाया है। आज का दिन, सोमवार का दिन, बाबा महाकाल के दरबार में जो हुआ है वो ऐतिहासिक क्षणों के अंदर, इतिहास के अंदर लिखा गया है, क्योंकि भगवान शिव जब डमरू बजाते हैं तो संसार नृत्य करता है और खुशहाली का प्रतीक है, डमरू समृद्धि का प्रतीक है। इसलिए बाबा महाकाल के दरबार में आज जो विश्व रिकॉर्ड बना है वो ऐतिहासिक दिन है। किस प्रकार की धुन थी ये? मृदंग की धुन थी, आनंद की धुन थी, खुशी की धुन थी, क्योंकि बाबा की जो आरती की जो धुन है वो आनंद की धुन है और आनंद की धुन के साथ डमरू बजाए। जय महाकाल। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश अनुसार प्रत्येक सवारी में कुछ ना कुछ नया किया जा रहा है। बाबा महाकाल के चरणों में आज एक विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है डमरू वादन का। यहाँ पर 1300 से अधिक लोगों ने उपस्थित होकर के विश्व रिकॉर्ड बनाया है। ये रिकॉर्ड बाबा महाकाल के चरणों में अर्पित है।